The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So let's understand hypertension. So high blood pressure, hypertension, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा देर तक बढ़ा हुआ रहता है. So there are two types of blood pressures. One is systolic blood pressure, the other one is a diastolic blood pressure. Normally सभी को ये पता होता है कि systolic 120 और diastolic 80 को normal माना जाता है. But ऐसा नहीं है, उसके नीचे अगर रहता है less than 120 and less than 80 is actually normal. So अगर वो 120 से 130 के बीच में आ रहा है, which is systolic, so उसे हम elevated blood pressure कह सकते हैं. And अगर diastolic आपका, ये elevated blood pressure can be present in spite of diastolic blood pressure less than 80 रहा तो भी. Okay, so what actually is hypertension? अगर आपका systolic blood pressure 130 से 140 के बीच में आता है, 130 to 139 mm of Hg, और diastolic blood pressure is above 80, 80 to 90, तो उस condition को हम stage 1 hypertension बोलते हैं. Now consider this, this is not something कि blood pressure आपका ऊपर एक बार चला गया तो वो stage 1 hypertension हो गया. That's not true. एवरीबडी, जो हम जब भी खड़े होते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट्स. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इफ एवरेज ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर, लगातार आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, ऑलवेज आपका ब्लड प्रेशर अगर 130, 130 टू 139 के बीच में है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली और मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स, एवरेज ऑफ द टाइम्स 80 के ऊपर आ रहा है, देन इट इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन. स्टेज 1 का अलग ट्रीटमेंट है, स्टेज 2 का अलग ट्रीटमेंट है. स्टेज 2 अगर आपका सिस्टोलिक एट लीस्ट 140 या उससे ऊपर है, 140 से ऊपर या 150, 145, 160, 170, और डायस्टोलिक इफ इट इज मोर देन 90. सो स्टेज 1 और स्टेज 2 ये दो ही मेन है जो जानने की जरूरत है आपको. और कई बार ऐसा भी होता है कि देयर इज ओनली आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन. ये क्या है? दिस इज व्हेनेवर योर ब्लड प्रेशर, सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 130, 140, 150, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से नीचे आ रहा है. सो दैट इज आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन. ऐसे ही आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन भी हो सकता है जहां सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है. अगर किसी पेशेंट में दोनों ही चीजें बढ़ी हुई आ रही है तो इसको हम मिक्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं. बट क्लिनिकली इतने डेप्थ पे हमेशा जाने की जरूरत नहीं पड़ती. बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा पैरामीटर है जो ऊपर नीचे होता रहता है ऑल द टाइम, एवरी डे. मीनिंग अगर आप सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा. अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सर्शन कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंग्शियस है, तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा. इसीलिए रिनाउंस बहुत सारी दुनिया भर की जितनी हमारी सोसाइटी है, उन सोसाइटीज़ ने, चाहे वो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है, अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी है, इन लोगों ने अपने अपने डेफिनेशंस बना रखे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक अगर 140 से ऊपर हो, डायस्टोलिक 90 से ऊपर हो, तब हम उसे हाइपरटेंशन बोलेंगे. 150 से ऊपर हो या 135 से ऊपर हो तो हम बोलेंगे. सो फॉर दिस डिस्कशन वी विल डिस्कस डायग्नोसिस हाइपरटेंशन का कैसे होना चाहिए, रिस्क फैक्टर्स क्या होने चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट का डाइट, नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, डाइटरी ट्रीटमेंट, एंड जो एक्चुअल मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट है कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए. सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये आपके सामने डाइग्राम आ रहा है, ये चार्ट है जिसमें एक डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में बताया गया. अगर कोई एडल्ट है जिसका ऑफिस ब्लड प्रेशर, नाउ ऑफिस ब्लड प्रेशर एक अलग चीज है, घर पे ब्लड प्रेशर एक अलग चीज है, ऑफिस इन द सेंस क्लिनिशियन के ऑफिस में ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, इफ इट इज सिस्टोलिक मोर देन 130, डायस्टोलिक मोर देन 80 एंड और की बात आ रही है, दोनों में से एक भी अगर बढ़ा हुआ है, और पेशेंट अकेले इससे हम ब्लड प्रेशर नहीं मानते, इसके साथ अगर पेशेंट को सेकेंडरी सिम्टम्स है, हाइपरटेंसिव
सिम्टम्स हैं, या कई बार पेशेंट जो है सीधा एक बहुत ही ज्यादा बड़े ब्लड प्रेशर के साथ आपके पास आ सकता है, जिसमें 180 के ऊपर सिस्टोलिक जा रहा है या डायस्टोलिक 120 से ऊपर जा रहा है। अगर तो इतना ज्यादा बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर हाई है, और तो फिर बिल्कुल पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि वो ब्लड प्रेशर है। अगर वो उतना ज्यादा हाई नहीं है तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको चेक करना जरूरी है। इफ ऑफिस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 160 एंड इफ ऑफिस डायस्टोलिक इज मोर देन 100, तब उस पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि हाँ इसको ब्लड प्रेशर तो है। नाउ इस चार्ट पे हम वापस आते हैं, बिकॉज अभी कुछ और कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें समझने जरूरी हैं, डेफिनेशन समझने जरूरी है, तब हम डायग्नोसिंग क्राइटेरिया पे समझ के आएंगे। एक चीज जिसको हमें समझाना है कि व्हाट इज अ एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ये एक नया इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है, जिससे कि 24 घंटे लगातार आपको एक मशीन लगा दी जाती है दैट कैन एक्चुअली मेजर योर ब्लड प्रेशर, कि 24 घंटे आपका ब्लड प्रेशर चलते फिरते खाते पीते सोते जागते कैसा रहता है। सो 24 आवर्स में आपका मीन ब्लड प्रेशर उससे निकाला जा सकता है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। 24 आवर्स में आपका मीन ब्लड प्रेशर अगर पता चल जाता है, और वो अगर मीन आपका मोर देन 125 mmHg, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 125 से ऊपर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 75 से ऊपर है, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट टाइम पे बीपी और डाउन होता है, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया है, डे टाइम यानी अवेक, नाइट टाइम स्लीप अस्लीप ब्लड प्रेशर। सो डे टाइम ब्लड प्रेशर कैन बी, अगर वो मीन उसका पूरे दिन जागते हुए आपका मीन ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर है, डायस्टोलिक 80 से ऊपर है, यू हैव ब्लड प्रेशर। नाइट टाइम में आपका अगर सोते हुए भी आपका ब्लड प्रेशर 110 से नीचे नहीं जा रहा सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 65 से नीचे नहीं जा रहा, सो योर बॉडी नीड्स हेल्प मैनेजिंग ब्लड प्रेशर। सो ये चार्ट आप देख सकते हैं, जिसमें डे टाइम नाइट टाइम के ब्लड प्रेशर, 24 आवर्स एवरेज ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आ रही है, और क्लिनिक में कंपेयर किया जा रहा है कि एक पेशेंट जिसका क्लिनिक में ब्लड प्रेशर 160-100 है, उसका होम ब्लड प्रेशर हो कितना आ रहा है, 140-90 आ रहा है, डे टाइम एम्बुलेटरी एवरेज ब्लड प्रेशर 140 आ रहा है, नाइट टाइम में 140 आ रहा है, और 24 एवरेज 140 आ रहा है। सो डेफिनेटली 160/10 वाला पेशेंट जो है उसको हाइपरटेंशन है। वैसे ही एक दूसरा पेशेंट है जिसका 130-80 आया है क्लिनिक में, घर पे 130-180 आया है, डे टाइम में 130-80 आया है, नाइट टाइम में 110-65 आया है, और 24 एवरेज बिल्कुल बॉर्डर पे आया है। सो ऐसे पेशेंट्स को हम स्टेज वन हाइपरटेंशन कहते हैं। सो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि ऐसे पेशेंट्स में यूज किया जा सकता है जहां पे डाउट हो कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है कि नहीं है। होम रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होम रीडिंग में टेक्निक बहुत मैटर करती है कि आपने ब्लड प्रेशर मेजर सही से किया या गलत तरीके से किया, बिकॉज इट्स बेसिकली अ मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। सो कई बार वो मैनोमीटर अगर आपने बहुत नीचे रख दिया तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग बढ़ सकती है, ऊपर रख दिया तो लो हो सकती है। सो इट नीड्स टू बी केप्ट इन अ हार्ड लेवल। सो ब्लड प्रेशर कैसे लेना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बट जो फॉर दिस टूडेज टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड कुछ बेसिक पॉइंट्स, जैसे हमने बताया था कि AHA और ESH की गाइडलाइंस दोनों थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। क्लिनिक में अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 और 80 से ऊपर है तो वो उसे हाइपरटेंशन मानते हैं, और AHA के अकॉर्डिंग, और ESH जो है 140-90 को बोलते हैं, और इसी तरह से एम्बुलेटरी बीपी के हिसाब से भी उनके मेजरमेंट्स अलग अलग हैं। बट देन व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि हर पेशेंट जो हाई ब्लड प्रेशर के साथ क्लिनिक में आता है, ही डजंट एक्चुअली हैव, जरूरी नहीं है कि उसे हाइपरटेंशन है। व्हाई? बिकॉज देयर आर टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको समझना जरूरी है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एंड मास्क्ड हाइपरटेंशन। ये बहुत कॉमन कंडीशंस है। व्हाट इज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन? इज अगर आपका ब्लड प्रेशर वैसे नॉर्मल रहता है, मगर बिकॉज यू आर इन प्रेजेंस ऑफ अ डॉक्टर और यू आर गोइंग टू चेक योर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले एकदम से आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड अ व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। दैट मीन्स सीइंग अ डॉक्टर इन अ व्हाइट कोट, यू गेट एंग्शियस, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बाकी टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, घर पे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। सो दैट इज कॉल्ड अ व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो हर बार आप जब भी ऑफिस हॉस्पिटल क्लिनिक जाते हैं, पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है।
दैट इज वाइट कोट हाइपरटेंशन। यहां पर आपको एक्चुअली में ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को, एंजाइटी लेवल्स को मैनेज करने की जरूरत, स्ट्रेस थ्रेशोल्ड को मैनेज करने की जरूरत है, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट नहीं होगा। मास्क्ड हाइपरटेंशन क्या है? इफ योर ब्लड प्रेशर इज कंसिस्टेंटली एलिवेटेड बाय आउट ऑफ ऑफिस मेजरमेंट, मगर जब आप ऑफिस में आते हैं तो उतना हाई नहीं आ रहा, मतलब कुछ मास्किंग हो रही है। क्यों हो सकती है मास्किंग? मे बी यू हैव टेकन अ मेडिसिन, आपका मेडिसिन आप थोड़ी देर पहले लेके आए हैं, कुछ और चीज के वजह से मास्क हो रहा है। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इसको इवेल्युएट करना क्यों जरूरी है? रीजन कि आपको हर पेशेंट को दवाई देना नहीं जरूरी होता, उसके स्ट्रेस लेवल्स को असेस करना जरूरी होता है और उसके रिस्क फैक्टर्स को असेस करना जरूरी होता है। सो द रीजन फॉर इवेल्युएटिंग अ पेशेंट फॉर दीज टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके हर पेशेंट को ब्लड प्रेशर किसको डाउट है उसको घर पे भी ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, ऑफिस में भी करना चाहिए। सो द गोल हियर इज कि ऑफिस बेस्ड ब्लड प्रेशर कैन बी 10 mm ऑफ HG हाई और लो, ठीक है, एज कंपेयर टू पेशेंट्स गोल्स, या घर वाले ब्लड प्रेशर से हाई आ सकता है। थोड़ा बहुत एंजाइटी फैक्टर हर एक में होता है, सो एक रेफरेंस रेंज आ जाती है। और पेशेंट के गोल कितना होना चाहिए, मेरा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, दैट विल डिपेंड अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स। समबडी हु हैज प्रीवियस हार्ट डिजीज हो चुका है, कोई प्रीवियस एथरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या उसको बहुत हाई रिस्क है, उसके लिए ब्लड प्रेशर इवन लो होना चाहिए। क्रोनिक किडनी डिजीज में ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसका नॉर्मल रेंज बढ़ जाएगा। डायबिटीज के लिए या कोई और दूसरी बीमारी, पेशेंट्स हैव हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, या कोई हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ब्लीडिंग इश्यूज, सो दे विल हैव अ डिफरेंट ब्लड प्रेशर टारगेट्स। दैट टारगेट्स नीड टू बी डिस्कस्ड, आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना होगा कि मेरे लिए पर्सनली क्या टारगेट होना चाहिए, 120, 130, 110 क्या होना चाहिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की जब बात आती है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में हो, पेशेंट को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंग्शियस पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे जो कि एकदम से आया एकदम से बैठा, अगर उसको 5 मिनट रेस्ट नहीं दोगे तो आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है। पेशेंट अगर तुरंत एक्सरसाइज करके आया है, कैफीन चाय पी के आया है, स्मोक करके आया है 30 मिनट्स पहले, तो ऐसे केसेस में ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ आएगा। पेशेंट को अगर इवन अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं किया है, पेशाब करके नहीं आया है और पेशाब रोक के बैठा है, सो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा। पेशेंट या डॉक्टर दोनों के दोनों जो है ड्यूरिंग दैट ब्लड प्रेशर चेकअप बात नहीं कर रहे, पेशेंट बात कर रहा, इवन बात कर रहा है तो बीपी बढ़ेगा। कप प्लेसमेंट के नीचे अगर बहुत सारे कपड़े हैं, कोई जैकेट है तो दिक्कत होगा, टेक्निकली सारे क्लोथ्स निकाल देने चाहिए। मेजरमेंट करते समय अगर अगर लाइंग डाउन कंडीशन में है और वो क्राइटेरिया लाइट डाउन के हिसाब से फॉलो नहीं किए गए, तब भी यानी कि जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की मशीन है वो गलत एंगल पे है, गलत लेवल पे है, तब भी ब्लड प्रेशर गलत आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स बिकॉज रिस्क फैक्टर्स और वो तो चीजें हैं ही, मगर मेजरमेंट इज अ क्रूशियल थिंग जो आपके आगे चल के मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगी। सो टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा ब्लड प्रेशर की मशीन होनी चाहिए विच इज वेल कैलिब्रेटेड पीरियोडिकली, क्योंकि वो आज सही है साल भर के बाद खराब हो सकती है, कैलिब्रेशन खराब हो सकती है, दैट कैन बी अ थिंग। पेशेंट का आर्म सपोर्टेड होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सपोर्टेड ऑन द टेबल ऑन द रेस्ट। दूसरा, पेशेंट के आर्म कफ जो है आर्म के मिडिल लेवल पे होना चाहिए, करेक्ट साइज का होना चाहिए, ये नहीं हो कि कफ छोटा है कफ बड़ा है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आप पाल्पेट्री मेथड से या स्टेथोस्कोप डायफ्राम या बेल से यूज करेंगे अगर ऑस्कल्टेटरी मेथड से यूज कर रहे हैं, और घर पे चेक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वाली मशीन्स भी यूज की जा सकती है। बिल्कुल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स। और आपने जब भी चेक होता है, इट शुड बी एटलीस्ट 2 या उससे ज्यादा रीडिंग्स आपको लेनी है, एटलीस्ट 2 या उससे ज्यादा लेवल पर, 2 या 2 से ज्यादा ओकेजन्स में, ताकि आप उसका एक्चुअल ब्लड प्रेशर देख सकें। फर्स्ट ब्लड प्रेशर कैन बी हाई, सेकेंड वाइट मे बी द एक्चुअल जब वो रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है तब। उसके अलावा ये सारी रीडिंग्स को आप घर पर चेक हुई रीडिंग्स से कंपेयर करेंगे, उसे
एनालाइज करेंगे कि जो ऑफिस क्लिनिक में आ रही है वो घर पे सेम आ रही है या नहीं, ओनली देन यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि इस पेशेंट का एवरेज ब्लड प्रेशर कितना है. सो दैट इज फर्स्ट स्टेप, हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर प्रॉपरली. उसके बाद कौन से टाइप का ब्लड प्रेशर मेजरमेंट मशीन लेनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. एंड इट इज एक्चुअली एडवाइजेबल कि आप एक अच्छी कंपनी का, जैसे ओमरॉन वैसी कंपनी का ऑटोमेटिक वाला लेना है तो वो ले सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल हमारे ब्लड प्रेशर मशीन जो आते हैं दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. नाउ देर आर सम फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों आर्म में भी अलग अलग आ सकता है. ओके, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग लेफ्ट आर्म राइट आर्म कई बार नॉर्मली सेम आ सकता है, लेकिन अगर वो डिस्क्रिपेंसी आ रही है 15 mm ऑफ HG से ऊपर तो ये हो सकता है कि एक हाथ में जाने वाली नस जो आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी, वो वहां पे ब्लॉकेज है. दैट मींस वहां पर ब्लॉकेज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है. सो सिग्निफिकेंट डिस्टेंस अगर डिफरेंस आ रहा है राइट एंड लेफ्ट आर्म में, देन ऑल्सो इट इज सिग्निफिकेंट इशू. पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या होता है, दैट इज वेन अगर आप लेटे लेटे ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और उसके बाद खड़े होके ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं. सो अगर आपका सुपाइन से अपराइट पोजीशन पर या बैठे बैठे पोजीशन पे आपका ब्लड प्रेशर 20 से ज्यादा ड्रॉप होता है, लेटे लेटे ज्यादा था और बैठने पर या खड़े होने पर 20 से ज्यादा ड्रॉप होता है, तो आपको चक्कर आ सकता है. कई लोगों को ऐसा होता है, सीधा बैठने पे या उसमें चक्कर आने लग जाता है. सो सच पेशेंट्स कैन हैव पोस्चरल हाइपोटेंशन. एंड ऐसे पेशेंट्स खासकर अगर इफ योर एज इज 65 अबव, डिजीनेस, वीकनेस और सीधा गिरने वाला ऑप्शन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, साथ में अगर उनको खास करके डायबिटीज या पार्किंसंस डिजीज हो तो. अगेन ऐसे कंडीशंस में या किसी भी कंडीशन में जब भी अवेलेबल हो, एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग इज ऑलवेज बेस्ट. एंड वो आपका 24 घंटे का प्रॉपर रिकॉर्ड आपको देगी, जैसा हमने ये पहले इस चार्ट में देखा था. इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स, सस्पेक्टेड वाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसको हमेशा देखना है कि ऐसा तो पेशेंट नहीं है जिसको कोई और स्ट्रेस फैक्टर्स हो, रिलैक्स है कि नहीं है, और कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसमें इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस क्राइटेरिया में तो नहीं आता. सस्पेक्टेड एपिसोडिक हाइपरटेंशन नाम की चीज़ भी होती है. देर आर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, मास्ट हाइपरटेंशन, सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशंस आर देयर, नॉट जस्ट वन. इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. हम सो वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. ओके, नाउ होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली घर पर वो चेक करें. और बताया जाता है कि एटलीस्ट 12 से 14 मेजरमेंट्स आप ले सकते हैं पूरे दिन में, सुबह और शाम में मिला के, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक एवरी मंथ. और वो रीडिंग्स का आप एवरेज निकाल सकते हैं, लोएस्ट रीडिंग्स देख सकते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि, और प्लस इस कंडीशन में भी घर पे भी जो आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मशीन है वो सही से फिट हो रही है और मशीन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सही से फॉलो करें. और सेम थिंग, अवॉइड स्मोकिंग, कैफीन, एक्सरसाइज 30 मिनट्स बिफोर, और हर बार बीपी मेजर करने से पहले 5 मिनट्स का रेस्ट आपने लेना है, रिलैक्सेशन लेना है, सही तरीके से बैठना है, उल्टा सीधा तरीके से नहीं बैठना है. और एटलीस्ट 2-3 रीडिंग लेनी है एक एक मिनट अपार्ट, और उसको आपने रीडिंग को चेक करके फिर उस केस में आपको ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर. नाउ हो गया चेक, वी हैव द रीडिंग्स, वी हैव कि हमारा एवरेज ब्लड प्रेशर ये है. तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो दैट कैन बी 2 मेन रीजंस. आइदर प्राइमरी हाइपरटेंशन है, दैट मींस कोई और प्रॉब्लम नहीं है जिसके वजह से बीपी बढ़ रहा है, या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है. सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो प्राइमरी हाइपरटेंशन करता है. व्हाट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन, अगर और कोई एसोसिएटेड रीजन नहीं है, कोई और कारण के वजह से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा, तो उसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं. नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर होता है कि आपका हार्ट कार्डियक आउटपुट एक बार में पंप करता है, और वो पंप होने के बाद आपकी खून की नसें में जहां जहां ब्लड जा रहा है उस नस में कितना रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स वो नस कितनी एक्सपांड हो रही है, कितनी बड़ी है, उसमें ब्लॉकेजेस तो नहीं है. ऑल दैट रेजिस्टेंस डिटरमाइंस कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है. सो जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनकी
खून की नेसल्स ब्लड वेसल्स हैव अ कैपेसिटी टू डायलेट एंड रिलैक्स एंड दे हैव अ उनकी कंप्लायंस बढ़ जाती है, आसानी से दे कैन मैनेज दिस. दैट्स व्हाई एक्सरसाइजिंग पीपल कैन हैव ब्लड प्रेशर इवन लोअर देन नॉर्मल, हार्ट रेट इवन लोअर देन नॉर्मल. तो ब्लड प्रेशर इज एक बार में हार्ट कितना पंप कर रहा है, कितनी और कितना आपकी वैस्कुलर रेजिस्टेंस. तो ब्लड प्रेशर विल रिएक्ट टू इवन योर एनवायरनमेंट, आपके ऑर्गन्स के परफ्यूजन. ठंड है, इफ इट इज कोल्ड योर हैंड बिकम्स कोल्ड एंड जो ब्लड वेसल्स है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं बिकॉज योर बॉडी ट्राइज टू इंक्रीज द सर्कुलेशन टू द कोर ऑर्गन्स सो दैट वहां पर मेन जगह पे ब्लड फ्लो बढ़े, टेम्परेचर मेंटेन रहे. सो आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आप क्या कर रहे हैं, योर फीलिंग्स, योर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, योर किडनी, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन जो स्ट्रेस हार्मोन वाले सिस्टम्स, एवरीथिंग कैन अफेक्ट योर ब्लड प्रेशर, इवन योर प्लाज्मा वॉल्यूम. आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपका बॉडी में नमक कम है, नमक ज़्यादा है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी, एवरीथिंग कैन अफेक्ट योर ब्लड प्रेशर. नाउ प्राइमरी हाइपरटेंशन का मेन इशू है कि पीपल जो ये जो फैक्टर्स हैं कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की जो क्षमता है आपकी बॉडी में, दैट बिकम्स अल्टर्ड, कम हो जाती है. एंड बिकॉज दैट माइट बी जेनेटिक, दैट माइट बी इन्वायरमेंटल, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग आपकी बीमारियां, हार्ट की या किडनी फंक्शन जो हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा हो. बट द रिस्क, द पॉइंट हियर इज देयर इज नॉट अ सिंगल, एक अकेला कारण नहीं है, मल्टीपल रीजंस इन्वॉल्व है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज कर रहा है. वॉट आर द, मतलब किन लोगों को प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन होगा, ऐसे में जहाँ एग्जैक्ट इचियोलॉजी अनक्लियर है, एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते यही कारण है वही कारण है. So exact etiology is unclear. That means there are multifactorial. Multifactorial मतलब कौन से factors हैं? Number one factor is age. Age why? Advancing age के साथ हमारी blood pressure की, blood pressure manage करने की क्षमता मेरे blood vessels में कम हो जाती है. So blood pressure manage करने के लिए क्या करना होता है? Blood vessel needs to expand. Expanding कि जो कैपेसिटी है वो स्लोली उम्र के साथ स्लो हो जाती है, कम हो जाती है. सो दैट्स व्हाई इंक्रीजिंग एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ वेट गेन, इट्स अ वेरी वेरी मेजर रिस्क फैक्टर्स एंड इट इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स जिसके वजह से बीपी बढ़ाता है. सो राइज इन ब्लड प्रेशर इज वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड विथ एजिंग एंड ओबेस ओवरवेट पीपल. फैमिली हिस्ट्री, इफ आपके मदर फादर ग्रैंड फादर उनमें से किसी को भी वन और टू हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं तो आपको भी चांसेस हैं. 30% से ज़्यादा आपके जेनेटिक फैक्टर्स अकाउंट करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर आएगा. रेस, सम टाइप्स ऑफ रेस, ब्लैक पेशेंट्स लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा आसानी से आ जाता है. रिड्यूस्ड नेफ्रॉन नंबर, वॉट इज अ रिड्यूस नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द सेल्स जो आपके किडनी के अंदर होते हैं. तो अगर आपके किडनी के सेल्स जो हैं वो कम काम कर रहे हैं, स्लो काम कर रहे हैं या वो डैमेज हो रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो ड्रग्स, दवाई, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, हाइपोक्सिया, वहाँ पर कोई ब्लॉकेज आ जाए, वहाँ पर कोई डैमेज हो जाए, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हो जाए, जेनेटिक फैक्टर है, आपकी किडनी में स्टोन्स हैं, प्री मेच्योर बर्थ के वजह से एबनॉर्मलिटीज हैं, बैल न्यूट्रिशन है, इन्फेक्शन है, वट एवर माइट बी द रीजन, तो किडनी कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर. किडनी इज अ बिग इशू. देन जस्ट बाय हाई सोडियम डाइट, इंक्रीज्ड एक्सेस सोडियम इंटेक अगर आप ले रहे हैं, नॉर्मली वी शुड टेक 2.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड पर डे. इफ यू आर ईटिंग मोर देन 3 ग्राम्स, वायर विल यू ईट, नमक खाने पीने में जो डालते हैं दैट इट्सेल्फ, वो प्लस आप जब भी बाहर से कोई पैकेज्ड फूड खाते हैं, जब भी पैकेज से बाहर से कोई फूड्स खाते हैं उसमें या तो हाई सॉल्ट होता है या तो हाई शुगर होता है या हाई फैट्स होते हैं. सो हाई सोडियम अगर आपके बॉडी में आ रहा है कहीं से भी, सो दैट कैन इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम इन साइड योर ब्लड, सो दैट कैन इंक्रीज, वो आपका ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ा देगा. और इसीलिए नंबर वन जो प्लान ऑफ मैनेजमेंट होता है कि हाई ब्लड प्रेशर में, वो होता है रिड्यूस्ड सोडियम इन डाइट, पहला मैनेजमेंट होता है. और सेम पहला दूसरा मैनेजमेंट होता है लूजिंग द वेट. एज तो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ओबेसिटी को कम कर सकते हैं,
किडनी डैमेज हो रही है तो वी कैन चेक व्हाट इज डैमेजिंग एंड वी कैन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. बट सोडियम एंड वेट आर टू बिग थिंग्स जो इजीली कंट्रोल की जा सकती है. देन द थर्ड थिंग इज अल्कोहल. एक्सेसिव अल्कोहल विल ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ हाइपर टेंशन एंड एल्कोहल रिस्ट्रिक्ट करने से यू विल गेट बेनिफिट. फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप इनएक्टिव हैं, इनएक्टिविटी सेडेंटरी लाइफस्टाइल विल लीड टू रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ आपकी ब्लड वेसल्स टू कोप विथ मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. सो एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, एरोबिक, डायनेमिक, आइसोमेट्रिक, एनी एक्टिविटी विल हेल्प यू मैनेज योर ब्लड प्रेशर, विल हेल्प यू मैनेज योर वेट, विल हेल्प यू यूज अ लॉट ऑफ यू नो जो रॉ मटेरियल्स आपके अंदर हैं ताकि आपका बॉडी जो है वो ब्लड प्रेशर बेटर मैनेज कर पाए. एंड इवन स्ट्रेस, इनएडिक्वेट स्लीप बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, इफ योर स्लीप ड्यूरेशन इज शॉर्ट दैट इज एसोसिएटेड विद हायर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन. सो अगर आप कम सोते हैं तो भी चांसेस हैं बढ़ सकता है. तो इंक्रीजिंग योर स्लीप प्रॉपर, अगर आप बेस्ट इज 7 आवर्स, 7 to 9 आवर्स इज द बेस्ट स्लीप. तो 7 आवर्स अगर आप नहीं सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, इट माइट बी पॉसिबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्लड प्रेशर 10 mmHg बढ़ जाए, 20 mmHg बढ़ जाए. सो दिस इज वन स्मॉल स्मॉल फैक्टर्स जो कंबाइन होके बड़े फैक्टर्स में डेवलप होते हैं. देन सोशल डिटर्मिनेंट्स भी हैं. लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, फूड इनसिक्योरिटीज, उल्टा सीधा जो अवेलेबल है वो खा रहे हैं, जो मिल रहा है वो कम. सो दैट इज ओबेसिटी, पुअर डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी एक्सेट्रा कैन लीड टू दिस. सो दीज आर द प्राइमरी असेंशियल रीजंस ऑफ ब्लड प्रेशर जो हमें मैनेज करने जरूरी है. देन वॉट इज अ सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉज या ऐसा कॉज जो एक्चुअली में वी कैन बी सेड कि ये रीजन है आपका मेन रीजन है, सेकेंडरी रीजन कि इसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है. तो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर कैन बी देयर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट नेसेसरी कि सेकेंडरी अकेला रीजन होगा, इट माइट बी को एग्जिस्टिंग विथ रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन. सो इट माइट बी देयर कि सेकेंडरी रीजन भी है, प्राइमरी रीजन भी है, एजिंग भी है, मोटापा भी है, सॉल्ट भी ज्यादा खा रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स को एग्जिस्टिंग. सो व्हाट आर दीज सेकेंडरी रीजंस? फर्स्ट इज मेडिसिंस, सम मेडिसिंस. कौन सी दवाइयाँ? फीमेल्स में दोज आर टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पेशली जिसमें ईस्ट्रोजन ज्यादा है. यस, दे कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर. पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, खासकर अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRIs, तो ऑल दीज एंटी डिप्रेसेंट्स कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर. स्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डीकंजेस्टेंट्स, क्रोनिकली अगर आप फिनाइलेफ्रिन, सूडोनेफ्रिन अगर खा रहे हैं, कोल्ड होता रहता है बार बार, डीकंजेस्टेंट लेने, दे कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर. वेट लॉस मेडिकेशन, सोडियम कंटेनिंग एंटासिड्स, इनके वजह से हो सकता है. इरिथ्रोपोएटिन, ब्लड बढ़ाने के लिए जो लेते हैं. देन कैंसर मेडिकेशंस, कुछ स्टिमुलेंट्स, एम्फिटामीन्स, कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिंस, कुछ और एंजियोजेनेसिक इनहिबिटर्स, ये सारे मेडिकेशंस कुछ ही मेडिकल लोग लेते हैं, बट दीज कैन हैव साइड इफेक्ट्स. देन ड्रग यूज, अगर आप किसी प्रकार का ड्रग अब्यूज, कोकेन या कोई, इवन हमने अल्कोहल कवर किया, स्मोकिंग कैन, एक्चुअली स्मोक कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर. प्राइमरी किडनी डिजीज है, अगर प्राइमरी किडनी डिजीज है कोई भी, एक्यूट या क्रोनिक किडनी डिजीज, कोई और किडनी के अंदर बीमारी है, दैट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर किडनी के थ्रू. या प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म, हमारे मिनरोकॉर्टिकल अल्डोस्टेरोन जो हमारे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है वहां से निकलता है. सो इफ दैट इज हाई, देन यू कैन हैव अनएक्सप्लेन सिम्टम्स जिसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा. रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, अगेन किडनी प्लस देयर इज ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम है किडनी के, कहीं पर भी ब्लड फ्लो अगर किडनी के अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड है, यानी वहां पे ब्लॉकेज है, काइंड ऑफ जैसे हार्ट अटैक में हार्ट में ब्लड प्रेशर, वहां पे किडनी में ब्लड प्रेशर ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो वो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, व्हाट इज दिस? अगर आप सोते हैं, सोते समय खर्राटे ज्यादा रहते हैं, दिन भर आपको स्लीप आती रहती है, नींद आती रहती है, और हमें लगता है कि हमें तो इसमें हो क्या रहा है, सोते समय आपके सांस की नली दब रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, जिसके वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है.
और स्लीप डिस्टर्ब के वजह से हमने देखा कि बीपी बढ़ता है। फियोक्रोमोसाइटोमा, व्हाट इज दिस? एक सेकेंडरी, इसमें क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो कैटाकोलामीन्स हैं, एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन, ज़्यादा निकलने लगता है। और यहाँ पर देर आर अलग भी कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें आपके स्टीरोइड ज़्यादा बनते हैं, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, इवन थायरॉयड, हाइपर हो या हाइपोथायरॉयड हो, पैराथायरॉयड, इसमें भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। खून की नसें कहीं भी आपके ब्लॉकेज हो रहा है, आयोटा में हो रहा है, यानी मेन नसों में हो रहा है, किडनी में जाने वाली में हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हार्ट की नसों में हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सो देर आर सो मेनी रीजंस टू इवेल्युएट, प्राइमरी रीजन, सेकेंडरी रीजन आपके, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू मैनेज ब्लड प्रेशर। सोच के देखिए, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, इफ समबडी हैज ब्लड प्रेशर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। Because of high blood pressure in your blood vessels, आपके heart को ज्यादा ताकत लगती है to pump the blood against that pressure. ठीक है, against that pressure, that's why heart की exercise हो रही है, that's why heart की muscle hypertrophy हो जाती है over a period of time, left ventricular hypertrophy. Then it is possible कि वो heart cope ना कर पाए, उसको cope ना कर पाए, and अल्टीमेटली हार्ट कमजोर होता जाए, फैलता जाए। इफ इट इज डूइंग दैट, वो अपना इजेक्शन फ्रैक्शन कम कर देता है। सो दैट हैपन्स हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कैन हैपन बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैन हैपन। और अगर खून की नसों में प्रेशर ज्यादा होता है, सो देयर कैन बी, वहां पर ब्लॉकेजेस हैं, तो वहां प्लाक्स बन सकते हैं, क्लॉट्स बन सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तो ब्रेन में हिमोरेज, ब्रेन में क्लॉट चले जाए इस्कीमिक स्ट्रोक, ब्रेन यही क्लॉट हार्ट में चले जाए हार्ट अटैक्स, मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, कोरोनरी हार्ट डिजीज, और किडनी में प्रॉब्लम अगर है और ब्लड पी ज्यादा है तो वो बढ़ सकती है, किडनी डिजीज बढ़ सकती है। सो इट्स वेरी 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 कॉम्प्लेक्स डिजीज जो मल्टीपल चीजों को अफेक्ट करती है, मल्टीपल चीजें उसको अफेक्ट करती है। सो इट इज नंबर वन मोस्ट प्रिवेलेंट बट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मॉडिफाइबल है, इसको रेगुलरली चेक किया जा सकता है, इसके ऊपर मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं थ्रू डाइट, लाइफस्टाइल एंड मैनेजिंग द रिस्क फैक्टर्स एंड देन अल्टीमेटली मेडिसिंस। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टॉप स्मोकिंग, यू कैन कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल, कंट्रोल योर डायबिटीज, कंट्रोल योर रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, इट इज ऑलवेज हाइपरटेंशन दूसरे रिस्क फैक्टर्स के साथ मिलेगा, अनहेल्दी डाइट है, चाहे ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, उसे मैनेज किया जा सकता है, वरना आपके कार्डियोवैस्कुलर इवेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड देर आर मैनी स्टडीज जो बताती हैं कि इतना 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 रिस्क बढ़ जाएगा। बट देन ये देखिए, जब भी आप ब्लड प्रेशर कम करते हैं द रिस्क रिड्यूसेस। ये कोरोनरी हार्ट डिजीज मॉर्टेलिटी रिस्क है रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर एंड एज। सो इफ ये ब्लड प्रेशर है, ये मॉर्टेलिटी रिस्क है 95% ऑफ दैट। तो ये रिस्क देखिए, जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है रिस्क भी बढ़ रहा है हार्ट अटैक का या मॉर्टेलिटी का रिस्क। तो जैसे जैसे ब्लड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है रिस्क भी बढ़ रहा है। तो डायस्टोलिक या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 120 के आसपास लाना, इसको 80 से नीचे लाना आपके लिए परफेक्टली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस इवेल्युएट एवरी पेशेंट कि भी उनके केस में ब्लड प्रेशर क्या रहता है, उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या उनकी बॉडी में एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यहां सब की ब्लड प्रेशर हाई रहने से हार्ट कमजोर हो सकता है, तो एवरी ऑर्गन कैन गेट डैमेज, योर आईज कैन गेट डैमेज, आंखों के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, देयर कैन बी किडनी डैमेज, देयर कैन बी अदर एंड ऑर्गन डैमेज जहां ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई प्रेशर से पहुंच रहा है। सो दोज थिंग्स कैन बी असेस्ड, दोज थिंग्स कैन बी इवेल्युएटेड, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स देखे जा सकते हैं, और जैसे हमने सेकेंडरी रीजन बताए वो सब चेक किए जा सकते हैं, कहीं कोई दवा तो नहीं ले रहे। हाइपरटेंशन के अलावा ये सारे पुरानी दवाइयाँ, स्टीरोइड्स, कोकेन, एक्सेसिव सोडियम इनटेक, फैमिली हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, प्री मेच्योर कार्डियोवैस्कुलर डेथ तो नहीं हुई है आपकी फैमिली में किसी को, कोई और किसी को फैमिली में किडनी डिजीज, गाउट, डायबिटीज तो नहीं है किसी को, कोई मसल सेकेंडरी सिम्टम्स है क्या आपको, आपको कोई मसल वीकनेस है, कोई आपके हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, स्वेटिंग होती है, आपके फ्लैंक में कहीं किडनीज में पेन तो नहीं होता आपको, कोई हेडेक तो नहीं है, विजुअल प्रॉब्लम तो नहीं है, चेस्ट पेन तो नहीं है, हाथों पैरों में दर्द तो नहीं है, बिकॉज वी कैन असेस कि हाँ वहाँ पैरों में क्लॉट गया होगा। सो देर आर सो मेनी थिंग्स टू असेस
पेशेंट की स्मोकिंग, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इनएक्टिविटी, सोडियम, प्रोसेस फूड कितना लेते हैं, सैचुरेटेड फैट कितना लेते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फैमिली स्ट्रक्चर में स्ट्रेस तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है, आप एजुकेशनल लेवल आप जानते हैं कितना ब्लड प्रेशर के बारे में, डू यू अंडरस्टैंड और आर यू इग्नोरिंग ब्लड प्रेशर, सेक्शुअल फंक्शन कितना है, और आपके इवन सेक्शुअल डिसफंक्शन वहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आ सकता है, इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ स्लीप इश्यूज और नॉट, स्लीप एपनिया तो नहीं है, एंड ये सारी चीज़ें एक हिस्ट्री में ही पता चल जाती है। सो एक ब्लड प्रेशर की बीमारी इतनी सी नहीं है कि बस दवा लो घर जाओ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इवेल्युएट एंड देन ट्रीट द अंडरलाइंग रीजंस एंड देन डू टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होगी? ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी फंक्शन, यूरिन, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ECG, सारे टेस्ट, प्लस आपके अलग अलग बीमारियों के हिसाब से इको करके देखना है, आपके यूरिनरी एल्ब्यूमिन देखना है, सेकेंडरी टेस्ट आपको करने हैं कि नहीं, सो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय योर डॉक्टर एंड देन ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट ऑल पेशेंट्स, द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। द फर्स्ट ट्रीटमेंट everybody should be prescribed lifestyle modifications, very very important, and non pharmacological therapy is primary, then secondary aapka medication hai. So lifestyle modification mein dietary salt restriction is primary, namak kam kare, wazan kam kare, namak kitna lena hai, namak aapka 2 to 2.5 milligram per day jo hota hai usko hum minimum 1.5 tak bhi la sakte hain, par usse niche nahi, उससे नीचे नमक की कमी होने की वजह से दिक्कत हो सकती है। सो सी ब्लड प्रेशर चेंजेस एंड सोडियम रिडक्शन कैसे होगा, ब्लड प्रेशर चेंज, और यहाँ पर हमने ओवरऑल हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, नॉर्मोटेंसिव, क्रॉसओवर, ये सारे ब्लड प्रेशर चेंजेस सोडियम रिडक्शन के साथ देखे गए हैं कि जैसे जैसे पेशेंट्स उसका ब्लड प्रेशर कम होता गया अगर सोडियम रिपंशन हो। सेकेंड चीज वी कैन डू इज पोटेशियम सप्लीमेंटेशन, not really as a supplement, without a doctor's prescription you can take high potassium foods, kela aur baki sare cheeze aap le sakte hain, dietary modifications is preferable isme, jaise ki not really potassium ki goliyan kha rahe hain, aur agar aapko kidney theek hai tabhi, warna kidney ki bimari mein potassium nahi diya jata, potassium rich food nahi diya jata, because potassium needs to be excreted by the kidney also, so potassium supplementation, weight loss is your third method, वेट लॉस करने के लिए अगेन योर एक्टिविटी योर डाइट नीड्स टू बी रेडी, और वेट लॉस अगर आप करते हैं तो एवरी 1 kg वेट लॉस से आपका ब्लड प्रेशर 1 mm ऑफ HG एवरेज से कम, 0.5 to 2 mm से कम होगा, यानी 1 kg से 1 mm से ब्लड प्रेशर, 10 किलो वजन कम कर लिया, 140 से 130 ब्लड प्रेशर आ गया, कई लोगों की दवाई बंद हो जाती है जस्ट बाय लूजिंग वेट। सो विच इज द डाइट? डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, दिस इज द डैश डाइट जो बोली जाती है ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी है। एक पैटर्न दिया है, क्या दिया है, जैसे ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लो फैट डेयरी खाओ, दूध लो पर बिना फैट का, होल ग्रेन्स लो, आप पोल्ट्री ले सकते हैं, आपको नॉन वेज है तो आप एग्स ले सकते हैं, फिश खा सकते हैं, लीन फिश, लीन मीट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, थोड़े से शुगर्स नहीं खाने, स्वीटेंड बेवरेजेस नहीं, और रेड मीट को कम करना।